शास्त्रीय संगीत गायिका किशोरी अमोनकर का मुंबई में निधन हो गया। पद्मा विभूषण किशोरी अमोनकर जयपुर घराने से आती थी और शास्त्रीय संगीत की दुनिया के सबसे बड़े नामों में एक थी। जिन लोगों की वजह से हिंदुस्तानी संगीत दुनिया भर में लोकप्रिय है, किशोरी अमोनकर उनमें सबसे चमकता नाम है। ख्याल, ठुमरी और मीरा भजन के अलावा मांड और राग भैरवी भी उनकी आवाज के जादू में अपना एक खास असर छोड़ती थी। किशोरी अमोनकर का जन्म 10 अप्रैल 1932 को हुआ था। 1987 में उन्हें पद्म भूषण और साल 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। शुरुआत में उनकी गुरु भिंडी बाजार घराने की अंजनी बाई मालपेकर थीं। किशोरी अमोनकर की मां का नाम मोघूबाई कुर्दीकर था। पिता तभी चल बसे थे जब वो 6 साल की थीं। उनकी मां भी बहुत बड़ी गायिका थीं और उन्होंने जयपुर घराने के उस्ताद अल्लादिया खान से शिक्षा पाई थी। जिस जयपुर घराने की गायिका के रूप में लोग किशोरी अमोनकर को याद करते हैं, वो घराना उन्हीं अल्लादिया का बसाया हुआ है। वैसे तो वे फिल्मी गानों से दूर ही रहती थीं, लेकिन फिल्मी दुनिया भी उनकी आवाज़ से अछूती न रही। 1964 की फिल्म गीत गाया पत्थरों ने और 1990 की फिल्म दृष्टि में उन्होंने गाने गाए जो आज भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। उनके जाने से शास्त्रीय संगीत के इलाके की हरियाली चली गई है, जिसका फिर से वापस आना मुश्किल ही लगता है। गो न्यूज़ ब्यूरो।